आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स जिसने हिमाचल और उत्तराखंड में अपनी कलम का जादू बिखेरा है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है और जिनके लेखाकार में जितने भी गाने लिखे गए वो सुपर डुपर हिट रहे हैं। तो आज मैं स्वागत करता हूँ पहाड़ी गाना रिकॉर्ड्स पर सुरेंद्र गांगी जी का। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पहाड़ी गाना टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया। उसके बाद धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों का जिन्होंने मुझे इस मुकाम में पहुँचाया। सुरेंद्र गांधी जी, आपने अपने संगीत करियर की शुरुआत कैसे की? एक्चुअली मेरा बचपन से इसमें शौक था लिखने में, स्कूल टाइम से लेकर लिखते रहते थे, बल्कि यहाँ तक कि मुझे अभी तक याद है कि हम स्कूल में भी, मैं होमवर्क में भी बीच में कई बार नाटिया लिख देता था, टीचर को पता नहीं चलता था। ऐसा एक बार नहीं, कई बार मैंने किया है। तो मतलब मुझे लिखने का शौक स्कूल टाइम से ही। इसमें कोई प्रेरणा स्रोत हो आपके भी, जैसे आपका नाटियों में इंटरेस्ट था शुरू से नाटी लिखने का? हाँ, मैं एक्चुअली जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जो स्कूल मूलकोटी था तो मैं वहाँ पढ़ता था, तो वहाँ हम इस तरह के जो भी गवर्नमेंट के इवेंट होते थे तो उसमें काम करते थे। और लिखने का शौक मुझे ऐसे पड़ा कि हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, वो बहुत अच्छा लिखते थे और ड्रामा बनाते थे, नाटक बनाते थे, तो हम उसमें काम करते थे एज ए करेक्टर, और ज़्यादातर मेरा लड़की का ही रोल होता था, तो वो लिखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो नया गीत लिखते थे तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मुझे सिखाया भी है आज इस दुनिया में नहीं है। तो आप अपने परिवार के बारे में बताएं, अपने आप कहाँ आपका जन्म हुआ और किस तरह से अपने इस यहाँ तक पहुँचे आप? जी, मैं मशोबरा का रहने वाला हूँ नियर शिमला, और माता पिता भाई बहन घर में सभी हैं, अब तो मेरे बच्चे भी हैं, तो काफ़ी खुश हूँ अपने काम से। तो आप की पहली एल्बम कौन सी थी जो जिसमें आपने काम किया, और हमारे दर्शकों को बताइए वो कैसा समय था आपका जिस टाइम आपने किसके साथ काम किया था? देखिए, हम 1997 से हम स्ट्रगल कर रहे थे इस लाइन में, तो काफ़ी संघर्ष किया। हमारी पहली एल्बम प्लान हुई थी धमाका 2000, और मैं 99 में कुलदीप शर्मा जी के संपर्क में आया, और मैं काफ़ी धन्यवादी हूँ उनका कि मेरा ज़्यादातर श्रेय उन्हीं को ही जाता है। उन्होंने 99 में हम मिले और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बनाया, तो वो धमाका 2000 था, और धमाका 2000 काफ़ी हिट रहा था। वो हमारी मतलब एक नई सोच थी, थोड़ा सा उसमें रिमिक्स भी किया था मिलकर, तो वो काफ़ी हिट रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, काफ़ी पसंद। तो इसके साथ साथ आपने किन किन कलाकारों के साथ काम किया? जहाँ तक मुझे पता है किशन वर्मा, कुलदीप शर्मा और भी बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया, उनके लिरिक्स दी है। हाँ, काफ़ी सिंगर है, मैक्सिमम सिंगर है बड़े जितने भी हैं। आप अभी देखिए गीता भारद्वाज है, कुलदीप शर्मा जी हैं, किशन वर्मा है, और डॉक्टर महेंद्र थौर जी ने भी मेरी पोइट्री गाई है, सुरेंद्र शर्मा है, हेमंत शर्मा है, और भी काफ़ी सिंगर है और नए लोग भी काफ़ी हैं जिन्होंने मेरे गाने गाए हैं। फिर जहाँ तक मैं पहाड़ी गाना से जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ एक महीने में आपके 2 या 3 प्रोजेक्ट्स तो जरूर आते ही आते हैं मार्केट में। जी बिल्कुल, कंटिन्यूसली लिखे जा रहे हैं अपने श्रोताओं के लिए और पसंद भी किए जा रहे हैं लिरिक्स को, क्योंकि आजकल गाने बहुत कॉपी किए जा रहे हैं। तो आप कंटिन्यूसली लिखे जा रहे हैं अपने गानों को श्रोता तक भेज रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे लोगों की, आपके गानों की पोइट्री को किस तरह से? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ और अपनी ऑडियंस से काफ़ी खुश हूँ कि पिछले 18-20 सालों से वो मेरे गाने को और मेरी पोइट्री को पसंद कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें शायद कोई नाम नहीं हुई है, लेकिन हमने मतलब कंटिन्यूसली ऑडियंस ने मेरे हर प्रोजेक्ट को और हर गाने को सराहा है, तो इसलिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ पब्लिक का, और आगे भी काम करता रहूँगा, क्योंकि काम हम तभी कर सकते हैं जब हमें पब्लिक पसंद करेगी। तो हाल ही में आपके प्रोजेक्ट थे धमाका 2017, ओला गाड़िया और पिंक प्लाजो, इस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स आए थे, वो सुपर हिट ट्रैक रहे थे डीजे में, हिमाचल उत्तराखंड दोनों ने पसंद किया उसे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक जैसे हम धमाका 2017 की बात करें, वो यूट्यूब पे एज ए ऑडियो सबसे ज़्यादा देखा गया एक गाना है, उसके साथ साथ आपके
जो ट्रैक है वो भी वहाँ पे सुनेंगे बहुत ज़्यादा। देखिए वो प्रोजेक्ट था, अब वो मेरा इंडिविजुअली था कि ये एक्चुअली काश्वर जी ये टीम वर्क होता है, और सबसे पहली बात ये है कि उसमें सिंगर भी अच्छा होना चाहिए, और सिंगर का उसमें मेन रोल होता है, म्यूजिक का रोल होता है, लिरिक्स अच्छे हों लेकिन उनको सुरों में पिरोना फिर उन्हें प्रोजेक्ट करना वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये टीम वर्क था और मुझे बहुत खुशी है कि ऑडियंस ने मतलब काफ़ी पसंद किया वो, और सुपर डुपर फिट रहा, और रूम की साउंड तो शायद आपको पता ही है, लेकिन उसका क्रेडिट मैं हमारे नाटी किंग को भी देना चाहूँगा कि जो उनका कैलिवर है गाने का, उन्हें इस तरह की पोइट्री भी आप दे दीजिए वो मतलब कह लेते हैं बहुत ज़बरदस्त। ये चीज़ और मुझे पता चली कि आप जब भी लिखते हैं और साथ में आपकी उसी कंपोजिशन खुद करते हैं, और हालांकि ये काम किसी संगीतकार का होता है जो उसको कंपोजिट करता है, आप खुद ही गानों को लिखते समय ही कंपोजिशन करते हैं, किस तरह से गाना, इस बारे में क्या कहेंगे आप? चलो पंकज जी, ये तो सरस्वती माँ की कृपा है, मैंने आज तक कभी हारमोनियम नहीं बजाया ना मुझे आता है, तो पर पता नहीं सरस्वती माँ की क्या कृपा है कि जब भी लिखना शुरू करता हूँ तो कई बार कुछ गाने ऐसे हैं, ज़्यादातर तो नहीं पर बहुत से गाने ऐसे हैं जो मैंने खुद ही कंपोज किए हैं, तो वो बस सरस्वती माँ का नाम लेके और उसकी धुन मेरे दिमाग में ही तैयार हो जाती है, बहुत से गाने ऐसे हैं। तो बाकी कभी वैसे हमने बाजे को कोई कंपोजिशन कंपोज नहीं की। दांगी जी, आपने किन किन संगीतकारों के साथ काम किया है? हिमाचल में तो जितने भी संगीतकार हैं सभी के साथ काम किया है, हमारे आदरणीय एस टी कश्यप साहब, मेरे बड़े भाई ज्योतिविश जी, सुरेंद्र नेगी जी, पम्मी गोडी, राजीव नेगी, और यहाँ तक के पंजाब में अपने कुलजीत जी हैं और वीरेंद्र बच्चन, सुरेंद्र बच्चन जी हैं, तो इन सभी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहाड़ी गाना रिकॉर्ड्स के सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र दांगी जी, जिन्होंने सैकड़ों एल्बम में काम किया है, और सभी दर्शकों से आग्रह है कि वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। और सुरेंद्र दांगी जी, अभी आज का गाना वो बड़ा कॉपी किया जा रहा है, मतलब एक गाना एक स्टूडियो से निकलता है, दूसरा वही गाना दूसरे स्टूडियो से भी निकल जाता है, और वेबसाइट्स बहुत सारी हिमाचल में है पहुँच हो चुकी है जिन गानों को प्रमोट करेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या हमारे स्टेट में गीतकारों की कमी है, या फिर हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं लिरिक्स जितने हमारे पास कलाकार हैं? देखिए आज की डेट में हमें पका पकाया खाने की आदत हो चुकी है, गीतकार की कमी नहीं है ना गानों की कमी है, और नए राइटर भी बहुत हैं, पुराने भी हैं जो गाने लिख रहे हैं, लेकिन ये है कि लोग शॉर्टकट चाहते हैं, तो मतलब राइटर को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, तो यही कारण है कि फिर वो सोचते हैं कि चलो बन जाएगा प्रोजेक्ट। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक लिरिक्स राइटर को इसका बेटा उठा देना चाहिए? अगर आपने गाना किसी एक कलाकार को दे दिया वो दूसरा कलाकार ना गए? लेकिन ऐसा है कि ये तो जो पोइट्री का मामला है या म्यूजिक का है तो ये तो फिर सबको ही करना पड़ेगा, इसमें एक अकेला राइटर कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो फिर कॉपीराइट्स होने चाहिए उस हिसाब से, और मैं तो सबसे ही आग्रह करूँगा कि कॉपी नहीं करना चाहिए, जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग है वो अलग चीज़ है, आप ट्रेडिशनल गा सकते हो, लेकिन पोइट्री कॉपी करना वो गलत है, तो मेरे हिसाब से तो कॉपी नहीं करना चाहिए, नया क्रिएट कीजिए आप, कंपोजिशन म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं लेकिन आप पोइट्री तो आप चेंज कर सकते हो। तो और इसके साथ साथ आपको किन मुश्किलों का मुकाबला करना पड़ा जब आपने इस फील्ड में आप आए? देखिए उस टाइम काफ़ी स्ट्रगल का दौर था और इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, 1999-2000 में लाइव परफॉर्मेंस होती थी, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो इतना ज़्यादा मतलब राइटर का वो था नहीं रोल मेरे हिसाब से, लेकिन आज की डेट में राइटर का मेन रोल है क्योंकि लोगों को बैटरी ही नहीं मिल पा रहा है, तो पर फिर भी सरस्वती माँ की कृपा रही, हमने काम अच्छा किया, कुछ अच्छे गाने लिखे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए,
और लोगों ने पसंद की, और आज के डेट में या तो लोग ट्रेडिशनल ही चाहते हैं या फिर कुछ नया बेटर चाहते हैं, यही कारण है। आप उस टाइम की रिकॉर्डिंग और इस टाइम की रिकॉर्डिंग में क्या डिफरेंस लगता है आपको, जो 20 साल पहले गाने रिकॉर्ड होते थे और आज जो स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड होते हैं? देखिए अब तो दिन रात का फर्क है, आप जानते ही है कंप्यूटराइज जमाना है, उस समय लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, सारे लाइव, सारे म्यूजिशियन, हर एक आदमी लाइव बैठते थे और काफ़ी अच्छा वो एक अपने आप में सबक मिलता था सबको, और अच्छी रिहर्सल होती थी, अच्छा रियाज होता था, और उससे सिंगर को ये फ़ायदा होता था कि जब वो लाइव स्टेज शो करते थे तो उन्हें फ़ायदा होता था, वो अच्छा परफॉर्म करते थे। लेकिन आज की डेट में अब कॉपी एंड पेस्ट का ज़माना है, नहीं भी कोई गा जा रहा है, कहीं बेसुरा हो रहा है तो वो सब मशीन से हो रहा है, इसमें से थोड़ा सा फ़र्क है, पर यह है कि ऐसा भी हुआ है कि सब लोगों को मौका मिला है। लाइव हर एक सिंगर नहीं गा सकता था, मुझे याद है बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हुए हैं हमारे सामने के लाइव कर नहीं गा पाए, तो वो एक अलग दौर था और ये एक अलग है, लेकिन उसका एक अपना अलग एक्सपीरियंस था। और आज की डेट में चलो अच्छा है कि हाई टेक्नोलॉजी और हर एक आदमी जिसकी भी इच्छा होती है वो गा रहा है। आपका अभी एक ऑडियो एल्बम आने वाला है जो आई थिंक हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेकिन आज से 20 साल तक आपने कभी गाने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक ऑडियो एल्बम निकाला? नहीं, मेरे ऑडियो भी आए हैं, ऐसा नहीं है, पर मेरे 3-4 ऑडियो आए हैं, कुछ गाने ऐसे हैं मेरे जो काफ़ी अच्छे उस टाइम चले थे और उसके बाद वो और सिंगर भी गा चुके हैं, लेकिन मेरा थोड़ा इंटरेस्ट लिखने में था कि मतलब कोई नई चीज़ क्रिएट करना, तो गाने की तरफ कम रहा मेरा वो। वैसे तो आकाशवाणी शिमला से भी मैं अप्रूव हूँ और दूरदर्शन केंद्र शिमला से भी, पर मेरा लिखने की तरफ हमेशा ज़्यादा ध्यान रहा है। आकाशवाणी में आपका क्या एक्सपीरियंस है दूरदर्शन के साथ काम करने का? वो एक अलग चीज़ है, वहाँ का जो सिस्टम है वो अलग है और जो हमारा ये सिस्टम है ये थोड़ा सा डिफर है, बाकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी बातें वहाँ भी सीखने को मिलती है, और मेरे 9 आकाशवाणी शिमला में रिकॉर्ड है और दूरदर्शन के अंदर में भी एज ए राइटर में अप्रूव हूँ, काफ़ी गाने मेरे लिखे हुए, शर्मा जी ने भी गाए हैं और सिंगर ने भी गाए। और अब आपका फ्यूचर के लिए क्या प्लान है, मतलब आने वाले समय में क्या, एक तो आप गाना लॉन्च करेंगे आई थिंक आपकी जो एल्बम आ रही है? जी हाँ, अभी एक मैंने सैड सॉन्ग लिखा है तो वो गाया भी खुद ही है, उसका कंपोजिशन भी अपनी है और वो राजीव नेगी जी ने उसमें म्यूजिक दिया है और अभी वो तैयार होने वाला है और कुछ ही दिनों में आई थिंक हम उसको लॉन्च करेंगे नेक्स्ट मंथ। इसके अलावा राइटिंग में कौन सा सब्जेक्ट आपका फ्यूचर में? अभी 2-3 प्रोजेक्ट मेरे आने वाले हैं, अभी तो ये कुलदीप शर्मा जी का जो धमाका 2018 आया अभी जो लेटेस्ट था, अभी 1-2 प्रोजेक्ट और भी आने वाले हैं, एक अपनी सिंगर है ममता भारद्वाज उनका एक गाना आने वाला है और एक सॉन्ग गीता भारद्वाज का भी आने वाला है, तो मतलब 4-5 गाने अभी लेटेस्ट जो कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाले हैं, बाकी फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है, जैसा लोग चाहेंगे लोगों का जैसा आशीर्वाद रहेगा काम करते हैं। जो आपकी धर्मपत्नी है उन्होंने भी संगीत करियर में अपना कदम रख चुकी है, उनकी पिछले 2017 में 2-3 एल्बम्स आई थी, इस बारे में क्या कहेंगे आप कि एक औलादारे एल्बम आई थी और दूसरी एल्बम आई थी आपकी पिंक प्लस रंगीली साड़ी, हाँ किशन वर्मा जी के साथ उनका ड्यूट था, इस बारे में क्या कहेंगे आप किस तरह से? देखिए वो ऐसा है कि उन्हें गाने का शौक है और गाने वाले परिवार से ही संबंध रखती हैं, तो मतलब अच्छा है, अच्छा प्रयास है और अच्छा गाते हैं, पर कोशिश की है, पब्लिक ने पसंद किया है, बाकी इन फ्यूचर देखते हैं क्या होगा। आने उनका कोई आने वाला प्रोजेक्ट अभी प्लान किया है उनका, एक नॉन स्टॉप प्लान कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल सॉन्ग ही होंगे सारे और उसमें कोई नया सॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि वॉइस है तो मैं चाहता हूँ एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, तो लोग पसंद कर रहे हैं तो वैसे शौक है उन्हें, तो हम शौक के आधार पर ही काम करते हैं, नॉट प्रोफेशनली। तो आप कलाकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी कलाकार आपको सुन रहे हैं पहाड़ियाना रिकॉर्ड्स पर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कलाकारों से तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप
नया गाना जरूर बनाएं, ट्रेडिशनल भी गाएं, ट्रेडिशनल गाना बहुत जरूरी है, पर यह है कि अगर आप ट्रेडिशनल गाते हो तो फिर ट्रेडिशनल तरीके से ही गाएं, और नया बनाते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नए गाने में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यह है कि उसका जो थोड़ा हमारा कल्चर है वो स्टैंड रहे, उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ ना हो, बाकी तो नयापन होना तो बहुत जरूरी है। तो जाते जाते सुनिए रानी जी, आप एक पोएट्री सुना दें जो आपको अच्छी लगती है, जो भी आपकी बेस्ट पोएट्री आप मानते हैं। वैसे तो सरस्वती माँ की कृपा से मेरे जितने भी गाने हैं वो लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं, पर एक गीत जो मैंने काफ़ी ज़्यादा समय उसको लिखने में लग गया था, वो शर्मा जी ने गाया था, बहुत बढ़िया गाया था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, और भी काफ़ी लोगों ने वो गा लिया है गाना, तो थोड़ा सा सैड सॉन्ग था, प्यार नहीं मिलना, शायद आपने सुना ही होगा। मैंने अक्सर देखा है कि मतलब कोई भी आशिक मिजाज राइटर या कोई जो भी लिखते हैं वो हमेशा लड़की की बेवफाई पे ही गाने लिखते हैं, मैंने भी बहुत से लिखे हैं, आपने सुना ही होगा, लेकिन वो एक ऐसा गाना मतलब थोड़ा सा क्रिएट करने का मुझे मौका मिला, और एम सीरीज ने मौका दिया, हमारे कुलदीप शर्मा जी ने मौका दिया कि आप थोड़ा सा डिफर लिखो, तो वो गाना मैंने थोड़ा सा अपोजिट लिखा कि भाई तू ठीक थी मैं गलत था, तो वो एक वो गाना है, शायद आपने सुना ही होगा, प्यार नहीं मिलना दिलदार नहीं मिलना थोड़े सारे दुनिया तेरा दिया प्यार नहीं मिलना। तो धन्यवाद सुरेंद्र रंगी जी, आप हमारे स्टूडियो आए, और जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो कामयाब हो और सुपरहिट रहें, और लोगों जितना प्यार आपको अभी तक मिले उतना ही प्यार आगे भी मिलता रहे, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स जो ऑडियो काम कट रहे हैं उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं आपको जी, बहुत बहुत। और पहाड़ी गाना रिकॉर्ड से जुड़े सभी कलाकारों का धन्यवाद, आने वाले समय में जुड़ेंगे थोड़ा शिक्षक के साथ और जानेंगे उनके संगीत करियर के बारे में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे लिखे हुए गीतों को देखने और सुनने के लिए पहाड़ी गाना चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।